बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्री क्लास स्टूडेंट्स, आवर नेम इज़ हियर फॉर माय स्लैशर स्टूडेंट। अवर 17th लेक्चर इज अबाउट एक्सरसाइज नंबर 3B एंड पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 6। कलर द स्क्वेयर्स टू शो द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने स्क्वेयर्स को कलर करना है, जितने भी आप लोगों को दिए हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग करना है। तो क्या करेंगे क्लास हम लोग, हमारे पास यहाँ पर देखेंगे बेटा कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर को वैसे लिख देंगे और उनका न्यूमिनेटर को ऐड कर देंगे। 4 + 2 = 6। तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाएगी 6/8। तो 6/8 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि 8 हमारे पास जो है वो ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स में से 6 को हम लोग कलर कर देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कलर शो हो जाएगा वो इस तरह से आ जाएगा 6/8। बिल्कुल इसी तरह से बी सी और डी पार्ट सॉल्व दिस। इसमें भी हमारे पास यही है कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है उसे वैसे लिख देंगे, और न्यूमिनेटर अगर सब्ट्रैक्शन में है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर एडिशन में है तो उसे ऐड कर देंगे। 7 - 2 = 5, 5/9 इज फ्रैक्शन। 5 को हम लोग वैसे लिख देंगे जो डिनोमिनेटर है, एंड 4 - 3 = 1, 1/5। इसी तरह से हमारे ये बाकी के पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ 123 पेज नंबर, राइट प्लस और माइनस इन द सर्कल। सर्कल के अंदर प्लस और माइनस आप लोगों ने यूज़ करना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, 1 उसने आप लोगों के लिए कर दिया हुआ है। बी पार्ट पे आ जाए बेटा, डिनोमिनेटर सेम है वैसे आ जाएगा, और 5 ऊपर लिखा हुआ है तो 5 कैसे आ सकता है। तो 7 में से 2 का हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 9 और 9 सेम था, 9 आ गया। 8 में कितने ऐड करेंगे, सॉरी 8 में 1 क्या करेंगे कि हमारे पास 9 आ जाए, ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर एडिशन का साइन लगा दिया। इसी तरह से बेटा इसके बाकी के पार्ट्स भी हैं, जहाँ पर ऐड होगा वहाँ एडिशन का साइन लगा देंगे, और जहाँ पे सब्ट्रैक्शन से हमारे पास आंसर आया वहाँ पे हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। क्वेश्चन बनाने एंड कंप्लीट द फॉलोइंग्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पर देखिएगा बी पार्ट में 1/3 ऑफ 30 ग्राम। तो 1/3 ऑफ मीन्स डैट, वैसे तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन का यूज़ करते हैं लेकिन 1/3 की बात और यह, तो 30 × 1 = 30/3 मीन्स डैट 3 जो है वो डिवीजन में, तो 30 / 3 द आंसर इज 10 ग्राम। इसी तरह से हम लोग हर एक को 24 को 24 के साथ डिवाइड कर देंगे, 250 को 5 के साथ डिवाइड कर देंगे, 360 को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इनके आंसर्स आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी इज। हमारे पास यहाँ पे फिर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया, यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इनके आंसर्स निकल आएंगे। सो क्लास डू प्रैक्टिस एट होम बेटा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।